देखिए ये तो मेरे ख्याल से केले का तना है ना, वो क्या है, वो भी केले के पत्ते वाली टहनी वहनी होगी। अब ये क्या है, और ये क्या है भाई, प्याज है ये तो। हाँ ये पता नहीं क्या है, कोई पहचान के बता सकता है ये क्या है तो बताना। ये नींबू है क्या किशु है, ये क्या है, और ये क्या भाई, ये तो मैं समझ गया क्या है। अरे वो मछली है क्या, अरे तो नॉनवेज है। चलो चलो चलो, मुझे लगा किसी चीज के पत्ते हैं, बाद में जब मुझे मछली की आंख दिखाई दी तो मेरे को लगा कि अरे ये क्या चीज है। भाई हम लोग इधर की मार्केट में आए हुए हैं, इधर की मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। मुनीर का साइड की ये मार्केट है, लेकिन ना ऐसी चीजें तो मैंने पहली बार देखी हैं। एक्चुअली हम ऐसी दुकानों पर जाते नहीं है ना, और इनने ओपन में लगा रखी है सूखी हुई मच्छी, तो अजीब सा ही लग रहा है। इधर ज्यादा खाते होंगे, इधर मेरे ख्याल से मंडेरियन ज्यादा रहते हैं, वीडियो में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे हम इनको, मतलब नेपाली कहते हैं। भी है और आगे भी है। जैसे इधर की साइड ये सब सही से दिख नहीं पाया होगा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाह रही थी बट कोई नहीं, अभी हम खुद देख ले मार्केट को फिर बताएंगे। तो भैया अब हम नहा के आ गए हैं, और मैं कुर्ती लेने गई थी लेकिन मेरे को कोई समझ में नहीं आई, तो फिर मैंने सोचा अपने यही कपड़े पहन लेती हूँ। और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं खास मंदिर, तो मंदिर जाने के लिए मैं कुर्ती सोच रही थी। और ये मौसी की फ्रेंड है, ये भी मौसी है, मिल लो इन तय, अरे अरे मौसी। और सोनिया एकदम तक गसन ठा के लेके आई है, किसी ने देख ना जा प्रेम में ना जाए। एव हम जा है, अरे सोनिया नाटकी, सोनिया ने बोली मैं आज आराम करूंगी अपने घर में, बहुत दिन बाद आई हूँ। मेरा फोन यहीं पे छोड़ दिया था किशु ने, और अब हम जा रहे हैं। तो फिर से बुआ और भतीजी ने व्हाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन कर लिया है, यहाँ पे ना बाइकें बहुत ज्यादा जा रही हैं और रास्ता बहुत छोटा सा है, तो फिर डर लगता है। अब मैं फोन रख रही हूँ और फिलहाल जाके देखते हैं रिक्शा लेते हैं क्या लेते हैं, देख लोगे तो। ये शो मेरे को कह रहा है कि ये ले लो बुआ और इसे बालों में लगा लेना, मैंने तो अच्छे से कुछ हेयर स्टाइल भी नहीं बनाया, उस तरीके का कुछ पहना भी नहीं है, कभी फिर लगाऊंगी। व्हाइट पे अच्छा लगेगा वैसे मेरे ख्याल से तो। अरे जब मैं कुर्ती पहनूंगी ना या फिर स्कर्ट पहनूंगी किसी दिन इसको ऑन जाते टाइम, तब लगाऊंगी। और मैं और किशो फिर से तो मैं और किशो फिर से निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए। हमारा काफी टाइम से मन हो रहा था कि हम हौज खास टेम्पल जाएं। देख हनुमान जी का मंदिर है, चल देख के आते हैं, चलो दर्शन करके आते हैं। भाई हाथ पहुंच गया। मुझे घर में प्रॉपर सिखा के भेजा गया था कैसे डील करनी है, कैसे रिक्शा में बैठना है। उनने बोला था अगर 100 बोले तो 60 बोलना। इतना बोला तो इतना अंकल जी ने 80 बोला, फिर मैंने कहा अंकल जी 60, तो बोले नहीं 80, मैंने कहा ठीक है चलो। तो हमने रिक्शा ले लिया है, ये हमें बिल्कुल टेंपल के आगे छोड़ेंगे। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं टेंपल में। क्या यही रथ आएगा रथ यात्रा में, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब होगी है ना, रथ खड़ा हुआ है, बाद में ये पूरा सजेगा, तो यही वक्त मेरे ख्याल से होगा। चलो मंदिर चलते हैं। यहाँ पे जगन्नाथ जी, यहाँ पे हनुमान जी, और देखो हाथी के ऊपर शेर बैठा है। कुछ महत्व होगा इसका है ना, हमारी एंट्रेंस है। सो होप हम एंटर कर चुके हैं, पूरा का पूरा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, और ये जल्दी गर्म भी नहीं होता है। हाँ देखो इतना लग रहा है आपको, हाँ वो बाहर ज्यादा गर्म था। गणेश जी भगवान जी की जय हो। जगन्नाथ जी का टेंपल है ना, जगन्नाथ जी के टेंपल में
जो वैसा जगन्नाथ जी का टेम्पल है ना उनमें हमेशा भोले बाबा का मंदिर जरूर होता है ना। और जैसे इस्कॉन टेम्पल में नहीं होता बट यहाँ पे हमेशा होता है। बताते नहीं क्या मगर वहाँ पे तुलसी जी महाराज बैठे हुए हैं। आम गिरा हुआ है नेट पे और बहुत सारे आम है इस साइड के तो सबने तोड़े हुए हैं। उस साइड पे जैसे आम है बहुत सारे। नीचे कुछ कोई तो बैठा है मतलब तो कुछ बन रहा स्कूल है। ये स्कूल का प्ले ग्राउंड है। हाँ ये किड्स एरिया है ये ज्यादा जैसे छोटे बच्चों का अच्छा बना रखा है। ये हमारी पृथ्वी है जिनको भगवान जी ने अपने ऐसे उठा रखा है वराह रूप में एक सींग पे ऐसे उठा रखा है। तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी है। तो भगवान जी कितना भी कैसा भी अपना स्वरूप रख सकते हैं। ये भी परिक्रमा मार्ग है मेरी हाथ से। हाँ नरसिंह भगवान जी प्रहलाद महाराज जी ने जब उनको बुलाया था तब नरसिंह रूप में आए थे खंभे को फाड़ ब्रह्मा जी को अपने पैर पे उठा रखा है। मैं नाम भूल गई हूँ कोई कमेंट करके बताना बट मुझे वैसे पता है क्योंकि मैं सेक्टर 24 में जाती हूँ ना तो वहाँ पे मैंने पूछा था प्रभु जी से उन्होंने मुझे बताया था लक्ष्मी माँ की लक्ष्मी माँ जो भी मांगोगे वो तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी है। कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं ना केशु। हाँ। बहुत सुंदर पंडितों के लिए अच्छे अंडरग्राउंड है। राधे राधे हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम कुछ खाएं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये डिशेज थोड़ी सी अलग हैं। लड्डू फैनी गाजा कोरा किसी को पता है। और वहाँ पे देखो राधे कृष्ण जी कितने प्यारे कितने सुंदर हैं बहुत ही सुंदर। फिर हमने कुछ पीने का डिसाइड किया है कि हम पहले कुछ पी लेते हैं प्यास लगी है। तू क्या पिएगा तू क्या पिएगा। लेमन मिंट मेड भी है नींबू पानी की तरह लगेगी। फैंटा माजा सब कुछ एप्पल की ऑरेंज भी है देखते हैं क्या लेंगे हम। तो हमने काफ़ी चीज़ों की जानकारी ली। यहाँ पे कच्चा प्रसाद भी था बट वो खाने वाले वो खाने के लिए लहसुन प्याज नहीं खाना होता तो फिर हमने अभी नहीं लिया क्योंकि अभी हम खाते हैं। और अभी हम यहाँ पे साउथ इंडियन खाने के लिए कुछ जा रहे हैं कुछ अच्छा लग रहा हमने आते टाइम देखा था तो वही खाएंगे। ये है आलू चुप सब्जी ऐसा नाम है इसका। दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये लिया है ये समोसे हैं ये बड़ा ये कुछ और है और ये कुछ और है। गुलगुला गुलगुला तो हमारे में भी होते हैं हमारे में अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पे तो अच्छा भी लग रहा है ये कितना प्यारा लग रहा है। आप इस तरफ देख ही नहीं रहते है ना। ये देख के बोल रहा है कितना अच्छा लग रहा है। देख रहे हो भूखा बंदा खाने को ताक रहा है। देखो वहाँ पे कच्ची कैरी भी है कच्ची कैरी बेल के पेड़। और ये प्लेन चला गया अभी हमारा प्लेन चला गया यार प्लेन था वहाँ पे मैं कह रही थी मुझे बिठा ले भाई बिठा ले मैं रोका ही नहीं। बहुत पानी कैसे लोग होते हैं अगर मैं एक बैठ जाती तो क्या उसका प्लेन नीचे बैठ जाता फिर भी नहीं रोका। इतने भारी तो हुई वैसे देख रहे हो जामुन का पेड़ भी है
क्या चाह रहे हो? मैं कूद के चला दूं क्या? बैग तो ले रखा है। नहीं नहीं नहीं, तुझे मारेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे भी ग्रीनरी पहली बार देखी है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे काफी पेड़ ऐसे हैं इस तरीके के कि वो बहुत पुराने हैं, अभी के नहीं है, क्योंकि उनकी जैसे वो है ना आपसे ज्यादा हमें तो पता भी नहीं था यहाँ के बारे में, है ना? यहाँ पे आ सकते, कई सारे लोग तो आए भी नहीं होंगे इधर। तो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें तो ऐसा लगा कि ये दूसरा मंदिर है। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी वजह से आप आए। इतना प्यारा मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मेरा तो मतलब ऐसे है, अगर हमारे घर के आसपास हो तो हम बार बार आ जाएं, है ना किशु? कितनी अच्छी वो है ना शांति, और बहुत अच्छा यहाँ पे मंदिर का माहौल है। जैसे मंदिर होते हैं वो चीज़ नहीं है, ये दे दो वो दे दो, है ना? क्या है? भिंडी का पेड़ पौधा कहते हैं। ये गेंदे के हैं। ये बताओ, ये यूलिप है? हैं? यूलिप है। ये यूलिप है। मैं वो देख रहा हूँ। ये यूलिप है। यूलिप है। इसका नाम यही है। वो कह रही है उधर फोटो शूट हो रहा है। बुआ देख ला खींच मेरी फोटो, आओ देख गया और देखते जाएगी कि फोटो खींची कैसी है। उसने मना कर देगा, वो मना कर देगी, फिर वो आदमी दोबारा जाके फोटो खींचेगा। क्या पता हो सकता है ना, ये सच्चाई है। हाँ, वो इधर देख रही थी, मैंने अपनी घुमा लिया। कोई नहीं, तुम मंदिर की सुंदरता देखो, है इससे सुंदर कोई? बताओ, तुम खुद बताओ, है इससे सुंदर कोई? इससे नहीं, इससे मंदिर से दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए। ये ओडिशा का लग रहा है, और अब तो हम भी लग रहे हैं पूरे। ये हनुमान जी का तिलक है, उसके बाद फिर वैसा हमने वैष्णो तिलक से लगा लिया, सब तरीके के तिलक लगा लिए हैं। हमें खुद नहीं पता हमने क्या क्या तिलक लगाए हैं। भैया आधे रुपए तो तुम्हें देने पड़ेंगे, फिर दो जने तुम भी बैठ के जा रहे हो हैं? सही कह रहे हो ना केशु? भगवान ने यहाँ पे चार टी शर्ट लिए, टी शर्ट देखो, एक ये है, पीछे से भी दिखाओ। देखो ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, ये इसका बैक है, ये इसका फ्रंट है। अच्छा हो जाओ, मुझे दिखा। ये फ्रंट, ये बैक, मुझे ये कलर अच्छे लगे, ये और ये। आगे ध्यान दियो मैंने। इसी में हम कीशु का दिन इसका सेम मैं ले रहा हूँ इसका, ताकि हम सेम सेम पहने। और लव के लिए इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि लव मेरे में से पहन लेता है कब्जा करके। बहुत सारे हैं, ये पूरी की पूरी दुकान के सारे ऐसे ही कैरेक्टर है। गोजो कीशु मुझसे कह रहा था और एनीमे देखना स्टार्ट कर दो, फिर आपको सब पसंद आने लग जाएगा। वांटेड, तुम कमेंट करके बताना कौन होगा। जींस लगा रहे हो? चलो कुर्सी तेल, कुर्सी तेल, कुर्सी तेल। कैसा लग रहा है? ज़्यादा
तो देख ली, ये भी देख लिया श्री राधे राधे राधे। मैंने काफी लिए हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये देखो इसका ब्लाउज, मैं देखो हमने सेम सेम टी शर्ट ली है, ये दिखाते हैं। दोनों ने वाइट ली है, एक तो हमारी दोनों की सेम है, लूनी टू 300 रुपीस और कहाँ गया देखो इसकी रफी थे। एक हमने ली है ये वाली, दोनों साथ में पहनेंगे चलिंग करके। तो अब हम दूसरी दुकान पे जा रहे हैं, हमने साड़ी ले ली, टी शर्टें ले ली। एक जगह मुझे क्रॉक्स भी पसंद आए थे, लेकिन केशु कह रहे थे बहुत महंगे हैं, तो बाद में देखूंगी उनको, कुछ नहीं मिला तो फिर वहीं लूंगी। मेरे को पसंद आए थे क्योंकि वो ज़्यादा ही बच्चे। तो भाई भूख आखिर लग गई थी, अब ले लिए मोमोज। तो केशु ले के खड़ा है, ये बनवा रही थी लेकिन अभी बर्फ़ नहीं है तो उसमें भी टाइम लगेगा। हमने इसका पहले भी नींबू पानी पिया था, तब उसका नमक ज़्यादा था, इसने बिल्कुल सही करके दे दिया है ना किशु, अब सही कर दिया है। और ये खा रहे हैं मोमो, उस वाले की शिकंजी में लेनी तो ये दूसरे की शिकंजी ली है। ये जूस की बहुत बड़ी कहानी है, हमने शेक ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं हो रही थी। पेमेंट का आ गया कि आज आपने बहुत ज़्यादा वो कर दी है तो आपकी पेमेंट नहीं होगी। तो मुश्किल से कविता को फ़ोन करके तब हमने ये पेमेंट कराई है, और हमने बोला अभी हम रिक्शा लेंगे तब जागते रहना, ताकि अगर हमें प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी पेमेंट हो जाए। तो आज की हमारी शॉपिंग हो गई।